Hey, what's up traders? Welcome back to the channel and hope you are doing very well as always. तो गाइस अभी आप देख सकते हो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो BTC है अपने 35 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। उस रेजिस्टेंस जोन से इसको वापस से एक रिजेक्शन मिली है और वापस से ये नीचे की तरफ स्विंग कर रहा है। यहाँ से हमें लगता है कि भाई हैमर बन सकता है बट हैमर अभी नहीं बना है और लगभग 33,000 पे ये अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट अभी हम BTC के ऊपर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एलन मस्क के रिप्लाई और ट्वीट के बारे में, बिकॉज आज जो है एलन मस्क हमें बिल्कुल फ्री दिख रहे हैं और शायद टेस्ला और स्पेसएक्स से इन्होंने आज छुट्टी ले ली है, बिकॉज आज दिन ब दिन पूरे के पूरे दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो इनका जो लास्ट ट्वीट आया था, जैसा हमने ये डिस्कस करा था कि जैक डोर्से के साथ इनकी कन्वर्सेशन चली थी, ठीक है, और जैक डोर्से ने कहा था कि हम किसी इवेंट में चलो कन्वर्सेशन करते हैं, आपके जो भी क्यूरियोसिटी है वहां आप शेयर कर सकते हो। जो लास्ट ट्वीट आया था या रिप्लाई आया था एलन मस्क का वो था द कमेंट इन दिस थ्रेड आर सॉलिड गोल्ड। इसके बाद 5 घंटे पहले एक और इनका रिप्लाई आया था, ये हमारे काम का नहीं है। 3 घंटे पहले इनका एक रिप्लाई आया है, जैसा आप देख सकते हो यहां से ये कमेंट खत्म हुआ था इनका, सॉरी रिप्लाई आया था कि द कमेंट्स इन द थ्रीड आर सॉलिड गोल्ड। किसी ने फिर एलन मस्क को रिप्लाई करते हुए लिखा साउंड्स लाइक जैक वांट द डी, ठीक है, और इन्होंने टेस्ला के ऊपर ये एक डी बनाया हुआ है, शटर के ऊपर डी बना हुआ है। अब यहां से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो डी है वो डॉज कॉइन का डी है, ठीक है, और एलन मस्क ने भी इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा है टी इज द न्यू डी। अब टी से तो हमें ये पता लग गया कि भाई टी मतलब टेस्ला, लेकिन जो डी है उसका, या तो ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भैया जो टेस्ला है वो डॉज कॉइन को एक्सेप्ट कर सकती है, जो टेस्ला है वो नया डॉज है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी रिप्लाई किया है, जैसा आप देख सकते हो फैक्ट एट द रेट एलन मस्क टॉक कॉइन ये वापस से अपना प्रमोशन करने वाले आ गए, डायमंड हैंड मतलब हम अभी भी डॉज को होल्ड करके रखे हैं, और आई सपोज सो इसके अलावा सब लोग यही समझ रहे हैं कि मतलब जो टेस्ला है इज न्यू डॉज, और बहुत सारे मतलब निकाल रहे हैं कि भाई बिटकॉइन इधर सब अपना प्रमोशन करने में लग गए। बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि भैया एलन मस्क जो है अब टेस्ला के ऊपर बहुत बड़ा ट्वीट करने वाले, ठीक है। एक तो 3 घंटे पहले एक ये इनका रिप्लाई आया था, फिर इसके बाद एक और से इनका रिप्लाई आया था, जैसा आप देख सकते हो जो एलन मस्क की कन्वर्सेशन चल रही थी ट्विटर पर जैक डोर्से के साथ उसके ऊपर एलन मस्क ने लास्ट में एक और रिप्लाई करते हुए जैक को टैग करते हुए बताया कि फॉर द बिट क्यूरियस, पहले तो इन्होंने लिखा था बाय क्यूरियस, लेकिन अब हमें साफ से ये देखने को मिल रहा है वो बोल रहे हैं बिट क्यूरियस, मतलब बिटकॉइनर्स को ये टारगेट कर रहे हैं। फॉर द बिट क्यूरियस वेरी वेल देन लेट्स डू इट, और आंख मारते हुए इमोजी का इन्होंने यूज किया है। साफ साफ पता लग रहा है कि भाई एलन मस्क जो है वो टांग खिंचाई कर रहे हैं जैक डोर्से की और कह रहे हैं कि भाई चलो बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये आया इनका ट्वीट जो कि काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट था, इसके बाद में आई विल बी लाइक दिस बट बिगर शायद ये नहीं है इसके ऊपर, ये तो एलन मस्क का कुछ टेस्ला के ऊपर था कि भाई ये भी देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी बात है हाउ इट स्टार्ट हाउ इट्स गोइंग, कैसे इन्होंने सिर्फ इस तरीके से स्टार्ट किया था और कैसे अब ये रियल में रॉकेट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद में ये भी आया था, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको आपको गौर से देखना चाहिए। और आई थिंक मुझे जहां तक समझ में आया एलन मस्क शायद इससे यही कहना चाह रहे हैं, देखो टाइमिंग इज एवरीथिंग। और इसके साथ इन्होंने नेपोलियन पोल की एक इमेज भी शेयर की है, आई एम गोइंग टू इन्वेट रशिया, और एक और वहाँ है लेडी, अब इनका मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को इस ट्रेन की पता नहीं है, इन दिस समर टाइम राइट। तो आपको पता है जो नेपोलियन पोल थे उन्होंने रशिया पर जो आक्रमण किया था वो विंटर में किया था, और यहाँ ये जो है महारानी टाइप की लग रही है, मेरे को हिस्ट्री इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इन दिस समर टाइम राइट। तो ये कह रही है कि भाई समर में आपको हमला करना चाहिए, सही है, और जो ये नेपोलियन पोल थे उन्होंने विंटर में किया था, और रशिया का आपको पता है ये किस तरीके से माहौल होता है ठंड वगैरह का, और एलन मस्क ने किसी ट्वीट को भी डिलीट किया है। तो ये एक इनका ट्वीट था, इसके बाद में और भी आए थे, ठीक है, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे वापस से आके। 1 घंटे पहले इनका एक और से ट्वीट आया था, ये ट्वीट है रिप्लाई नहीं है, माय शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लॉकी। अब कई लोग डायरेक्टली देख लेना इसको शिबा इनू कॉइन से जोड़ेंगे, और कुछ देर के बाद में आपको शायद ऐसे भी वीडियो देखने को मिल सकते हैं एलन मस्क ने किया ऐलान शिबा इनू कॉइन को करेंगे वो एक्सेप्ट, कुछ इस तरीके से देखना, ठीक है, मजाक कर रहा हूं थोड़ा सा। माई शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लॉकी, तो आपको पता होगा एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था बहुत पहले कि वो जब भी जापान में विजिट करेंगे तो शिबा इनू जो डॉग की एक ब्रीड है उसको वो एडॉप्ट करेंगे, तो बस उसी के ऊपर इनका एक ट्वीट आया था कि भाई माई शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लॉकी। अब डायरेक्टली देखो ये डॉज के बारे में कुछ नहीं कह रहे, बट इनडायरेक्टली ये वापस से डॉज को प्रमोट करना चाहते हैं, डॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो शिबा इनू है वो डॉज वाला डॉज कॉइन वाला डॉग है, ठीक है,
तो शिबा इनू कोइन से आप इसको मत जोड़ना। अब इस ट्वीट के बारे में हम बात करते हैं जो एक घंटे पहले इनका आया हुआ था। इलॉन मस्क ने कहा कि टाइमिंग इज एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू इन्वेट रशिया। जो नेपोलियन पोल थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, गलत टाइम पे आक्रमण किया था। इसके ऊपर एक घंटे पहले किसी वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग नाम के अकाउंट ने रिप्लाई किया था। एक घंटे हो चुके हैं इसको जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। वन ऑफ द मेन रीजन नेपोलियन फेल टू कंक्यूर रशिया इन 1820 इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, यू आर ऑसम। ठीक है, यहां से आपको कुछ समझ में आया? जो नेपोलियन पोल थे जब 1812 में जब उन्होंने रशिया पर चढ़ाई की थी तब बिल्कुल बर्फीला वहां पर टेम्परेचर था जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर किसी और एक ट्विटर अकाउंट ने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा है, सॉरी रिप्लाई किया है, अनलेस यू आर द मंगोल्स, जब तक आप मंगोल्स नहीं है। और इसके ऊपर इलॉन मस्क ने भी रिप्लाई किया है ट्रू। अब इससे देखो जहां तक मुझे ये समझ में आया, इलॉन मस्क शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी सही समय नहीं है किसी भी कॉइन को सपोर्ट करने का या फिर डॉज को प्रमोट करने का। ठीक है, हमने बहुत पहले ये डिस्कस करा हुआ था, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हो, हमने ये डिस्कस करा हुआ था कि इलॉन मस्क अगर अब इस समय डॉज को प्रमोट भी करेंगे तो उनके ट्वीट या रिप्लाई का कोई ज्यादा हमें असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस एक घंटे पहले के ट्वीट से भी हमें यह पता लग रहा है कि यही कहना चाहते हैं कि भाई ये सही समय नहीं है कुछ भी रिप्लाई या ट्वीट करने का, तो ये हमें पता लग गया। इसके अलावा एक ट्वीट इनका और आया था, मैं आपको बताता हूँ, स्टारशिप, ये तो वहाँ का है, ब्रिंग बैक द जोन, इट्स टाइम, ये शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं है, ये सत्य नडेला के ऊपर इनका ट्वीट था। हम इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल जाए। विंडो इज ऑलवेज, नहीं ये क्रिप्टो से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सत्य नडेला जी है, एक्चुअली अ ग्रेट मेनी पार्ट, ये भी टेस्ला से जुड़ा हुआ है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्वीट्स फ्रॉम अ ग्रेट हुमन, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के अब तक इन्होंने इतने ही ट्वीट करे, लेकिन कम से कम भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने आज ट्वीट या रिप्लाई करे हुए हैं। लग तो यही रहा है कि भाई आज फ्री है और वीकेंड का मजा ले रहे। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि डॉज कॉइन के ऊपर अभी भी इलॉन मस्क एक्टिव है। ऐसे नहीं कि भाई डॉज कॉइन को पहले पंप करके छोड़ दिया, अभी भी ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो शिबेतोशी नाकामोटो है, हमारे जो डॉज क्रिएटर है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। बाइनेंस यूएस का, जैसा आप देख सकते हो जो बाइनेंस यूएस है, उन्होंने एक पोल डाला हुआ था, पिक वन, पे मी इन डॉज, पे मी इन बिटकॉइन, पे मी इन बीएनबी। ठीक है, तो बाइनेंस ने ये एक पोल डाला हुआ है जिसमें जो डॉज कॉइन है वो सबसे टॉप पर है। आप शायद यहां हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो सबसे ज्यादा वोट होंगे वो डॉज कॉइन के फेवर में ही होंगे। और इससे हमें ये चीज भी पता लग जाती है कि जो बाइनेंस यूएस है वो डॉज कॉइन को हल्के में नहीं लेता है, सीरियसली उसके बारे में कुछ सोचता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग मुझे यार कमेंट करके ये भी बोलते रहते कि भाई ये जो तू ट्वीट बताता है, न्यूज वेबसाइट बताता है, वो सब तेरी ही बनाई होती है, तो भाई थोड़ा सा यार कॉमन सेंस लगाया करो। ठीक है, हंसी भी आती है उनके यार कमेंट्स पे, बाकी मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। वो ऐसे कहते हैं कि भाई तेरी बनाई हुई ये ट्वीट होती है, वेबसाइट्स होती है, तो भाई एक वीडियो के लिए मैं इतना महंगी वेबसाइट या ट्वीट थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। तो ये भी एक अपडेट थी। इसके अलावा एक अपडेट है, न्यूज अपडेट है, बाकी बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से वो इसको कवर कर रही है, जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क के बीच में जो भी कन्वर्सेशन चली ट्विटर पर। यहां आप देख सकते हो, इलॉन मस्क रिन्यू हिज सपोर्ट फॉर डॉज कॉइन एंड ट्रोल बिटकॉइन बुल्स इंक्लूडिंग ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी। हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो इलॉन मस्क है वो सिर्फ टांग खींच रहे हैं जैक डॉर्सी की और जितने भी बिटकॉइनर्स हैं उनको चिढ़ा रहे हैं। तो इस ये जो बिजनेस इनसाइडर डॉट कॉम है, इनकी ये रिपोर्ट है और बाकी बहुत सारी ऐसी बड़ी मीडिया हाउसेस है जिन्होंने इस वाली न्यूज को ही कवर किया। जैसा आप देख सकते हो, एनडीटीवी है, हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूज 18 है, ठीक है, इंडिया टाइम्स है और बिजनेस इनसाइडर से, जनसत्ता है, बहुत सारी वेबसाइटों ने इसी टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो अब यही लग रहा है कि जो इलॉन मस्क है वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं और सही समय आ जाने के बाद में वो जरूर से डॉज कॉइन के ऊपर कोई बड़ा ट्वीट भी कर देंगे। हो सकता है जैसा हमें इस ट्वीट में देखने को मिला, टी और डी वाले चीज, अब टी यहाँ टेस्ला और डी यहाँ डॉज भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं भी टेस्ला और डॉज कॉइन से जुड़ा हुआ कुछ ट्वीट हमें इन फ्यूचर देखने को मिले, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई ज्यादा अमाउंट कभी भी मीम्स कॉइन में मत लगाना, स्पेशली जो अदर मीम्स कॉइन है, डॉज और शिबा के अलावा और जितने भी अभी मीम्स टोकन बन रहे हैं उनमें तो स्पेशली आपको 1-1.5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आपको दी। और एक चीज और, मैंने आज अपस्टॉक का एक अकाउंट बनाया हुआ है। अब जितने भी मेरे व्यूअर्स है या जितने भी मेरे छोटे बड़े आदरणीय भाई है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मैं सिर्फ इस अकाउंट का रेफरल लिंक चेक कर रहा हूं कि भाई सही में इससे पैसा आता भी है नहीं है, तो मैंने पिन कमेंट करके उसका रेफरल लिंक भी दे दिया। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या रेफरल के थ्रू मुझको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो उस रेफरल लिंक से अपना अकाउंट बना लेना, जिससे थोड़ा बहुत यार अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा यार, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ रेफरल लिंक, आज मैंने अकाउंट बनाया इसलिए रेफरल लिंक में मैं दे रहा हूं कि भाई पैसा आता भी है नहीं आता। तो रेफरल लिंक को अगर आपको पसंद आए, ठीक है, तो उस रेफरल लिंक पे क्लिक करके अपस्टॉक का अकाउंट बना लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।